हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पनास कुकिंग स्टाइल। आज हम दिखाएंगे घर पे कैसे आसानी से टेस्टी चिकन बिरयानी बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने आधा किलो चिकन धो लिया, तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो पहले मैंने इसे डाला 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 150 ग्राम दही। ये सारे चीज़ों हम अच्छी तरह चिकन के साथ मिला के मैरिनेट करके हमें 1 घंटा फ्रिज में रख देंगे। मैंने 750 ग्राम बिरयानी राइस लिया, इसे अच्छे से धो के हमने 40 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। 1 घंटे के बाद मैं मैरिनेटेड चिकन फ्रिज से निकाला, तब इसे हमें बनाना है। कढ़ाई गर्म हो गया, इसे हम 3 टेबलस्पून तेल डाला और तेल गर्म होने के बाद इसमें हमने 2 तेज़पत्ता और थोड़ा से गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा डाल के हमें प्याज डालना है। मैंने प्याज 3 मीडियम साइज का प्याज लिया, इसे प्याज डाल के इसे हमें फ्राई करना है। प्याज थोड़ा से फ्राई होने के बाद हमने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाला और फिर इसे प्याज के साथ मिला लिया और डाला 1/2 टीस्पून नमक। ये नमक डालने से जल्दी से प्याज में ब्राउन कलर आ जाएगा। तो प्याज देखिए फ्राई हो गया, अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दिया। ये चिकन को अब हमें सारे मसाले के साथ मिक्स करके इसे हम ढक देंगे। ये चिकन को हमें ढक ढक के कुक करना है, क्योंकि इसमें चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगा और चिकन का अंदर जो फ्लेवर है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह चिकन बनाने से चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। ढक के 10 मिनट हमने स्लो फ्लेम में कुक किया, फिर ढक्कन निकाल के हम इसे 1 टीस्पून डालेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने के बाद अच्छी तरह चिकन को मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर दोबारा ढक देंगे। ये देखिए चिकन अच्छी तरह कुक हो गया। मैंने इसे ढक ढक के कुक किया और मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं किया। चिकन से जो पानी है उसे निकाल के चिकन अच्छी तरह बन गया। अब हम इसे ढक के एक साइड पे रख देंगे। 40 मिनट चावल भीग गया, अब हमें इसे बनाना है। तो मैंने एक पतीला में पानी गर्म के लिए रखा, पानी उबालने लगा। तो अब हम इसे साबुत गरम मसाला डालेंगे और डालेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून तेल। इसमें क्या होता है, आपका चावल बहुत ही खिला खिला बनेगा। और जब भी आप बिरयानी का राइस बनाइए, ऐसे उबालते हुए पानी में डालें, तो आपका राइस बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने ये चावल को उबालते हुए पानी में डाला था, तो चावल जल्दी बन जाता है। वो चावल जब भी बनाना, इसमें 100% कुक नहीं करना, 80% होने के बाद इसे उतार देना। तो हमें देखिए चावल हो गया, अब हम इसे स्टार्च निकल के रख देते हैं। मैंने कुकर में 1 टेबलस्पून घी डाला, घी डाला के थोड़ा से फैला लिया। तो अब हमें इसे चावल का ऐसे करके लेयर डालेंगे। 1 लेयर चावल डालने के बाद उसके ऊपर डालेंगे 1/2 टीस्पून बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला डालने के बाद डालेंगे हमने 1-2 टीस्पून हमने घी डालना है, फिर उसके ऊपर चिकन का लेयर डालेंगे। इस तरह हमने सारे स्टेप वाइज ऐसे सारे लेयर हमें
डाल लेना है। मैंने चावल के लिए में अलग से मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि जब चावल बनाया था तो अपने 1.5 टीस्पून नमक डाला था, और चिकन में भी नमक है, तो मेरा नमक का प्रोपोर्शन ठीक है। आपका अगर नमक की ज़रूरत हो तो इस टाइम पे थोड़ा सा नमक डालिए। और मैंने कोई गुलाब जल और केवड़ा जल यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसके बिना ही बिरयानी बहुत ही टेस्टी बन सकता है। तो मैंने इसका ऊपर थोड़ी से फूट काला दूध में डाल के इसका ऊपर डालेंगे, तो इसमें क्या होता है बहुत ही अच्छा कलर आता है, क्योंकि मैंने चिकन में कोई हल्दी नहीं डाला। मैंने एक रोटी का तवा गर्म कर लिया, ये तवा का ऊपर हमने इसे कुकर को बैठाना है। इसमें क्या होता है डायरेक्ट हीट नहीं लगता है, तो नीचे जलने का चांस नहीं रहता, तो इसमें हम गैस को स्लो करके हमने इसे 20 मिनट दम पे रखना है। अब 20 मिनट का बाद तुरंत नहीं खोलना है कुकर, क्योंकि उसमें और भी 10 मिनट आपको रेस्ट रहने देना है, उसका बाद आप। मैंने ढक्कन खोला, देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, ये खुशबू से पता चल रहा है ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी हुआ। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा सिंपल चिकन बिरयानी रेडी। तो आज ये रेसिपी कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स, बाय।